आप पढ़ रहे हैं अब शांति से समझ लेना। आराध्या पटेल, देखो आराध्या पटेल, हम आपको फ्राइडे को हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, और सैटरडे को टेस्ट होगा, प्लीज। बाद में लिखेगा, अब ग्रुप में भेजा हुआ। और सैटरडे को टेस्ट होगा आराध्या पटेल, और फ्राइडे को साइंस पढ़ेंगे, बाकी 4 दिन मैथ पढ़ेंगे मंडे टू थर्सडे तक, और संडे को इंग्लिश का क्लास होता है ना, तो 7ों दिन आप लोग का क्लास होगा, है ना, ऑल डेज क्लास होता है, ठीक है ना। ठीक, तो साइंस में हम आप, सोसाइटी अच्छा ठीक है, अब बाद में लिखिएगा, ग्रुप से लिखिएगा, पहले आप समझो, में इधर ना लास्ट का है बस नीचे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, सर जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं भी हाँ बनाना, देखना क्या क्वेश्चन बनता है ना। तो सिस्टम सारा बना बाबू, एक आध सप्ताह रहिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना, क्या है नहीं है सारा। जल्दी देखो जी, म्यूट दूंगी रखो बाबू, टेस्ट चेहरा देख पटेल, म्यूट कीजिए जी। दूंगी। चलो ठीक है, देखो तो हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, ये स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है सर, जैसे मेरा, अब थोड़ी हल्ला मत करो, जैसे बाबू बॉडी है, तो बॉडी से ऊपर वाला पूरा लेयर हटा दो, तो अंदर में आपको खाली क्या दिखाई देगा, हड्डी दिखाई देगा, तो जो है बोन्स दिखाई देता है, वाला है। अब पीट देंगे, अब हल्ला करोगे तो पीट देंगे, जो हमको बोन्स दिखाई देता है ना, जो बोन्स हमको दिखाई देता है ना, वो क्या है, एक पैटर्न उसका बना हुआ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे ना, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। ठीक, तो स्केलेटल सिस्टम में बाबू बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, तो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट वाला बाबू आपको क्या पढ़ाए थे प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस फ्राइडे को, ज्वाइंट पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पढ़ाए थे, तो 2 तरह के ज्वाइंट होता है, एगो मूवेबल ज्वाइंट होता है, एगो इमूवेबल ज्वाइंट होता है। जैसे यहाँ पे बाबू आपका ये नी है, तो यहाँ पे बाबू बोन्स ज्वाइंट है ना, 2 गो हड्डी, एगो यहाँ वाला हड्डी, इस साइड वाला एगो हड्डी, एगो इधर वाला हड्डी, ये 2 गो हड्डी यहाँ पे ज्वाइंट है, तो ये क्या सर मूव हो रहा है ना बाबू, ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। शोल्डर के पास आ जाओ, शोल्डर के पास, तो शोल्डर में इधर एगो बोन है बोला, है ना, शोल्डर बोन है बाबू, और इधर वाला हैंड वाला, तो यहाँ भी क्या है, ज्वाइंट है, तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, है ना। तो ये सब आपको हम पढ़ा दिए थे ना, आगे हमको क्या पढ़ना है, इमूवेबल ज्वाइंट। तो इमूवेबल ज्वाइंट क्या होता है सर, वैसा ज्वाइंट बाबू जो मूव नहीं करेगा, उसको क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट, है ना, इमूवेबल ज्वाइंट। जैसे ये आपका स्कल हो गया, तो ये स्कल को बाबू फाड़ के देखोगे ना, तो बहुत सारा इसमें ज्वाइंट होता है, ये स्कल में चलो बाबू इसको इसको पूरा, है ना, आपका ठीक स्किन हटाओगे, बाल वगैरह हटाओगे, तो यहाँ क्या होगा, ज्वाइंट होगा। बोलो जल्दी तो यहाँ पे जो खाऊंगी साफ ऐसे साफ। था संदरे, यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है स्कल में बाबू, इसको मूव नहीं ना कर सकते, पीछे से स्कल को घुमा तो यहाँ से मूव बोले होता तो मुझे है, स्कल दूध से नहीं मूव नहीं ना खाऊंगी। होगा, तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट कहेंगे, क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट, है ना। सर में उठे जी, जिस जो ज्वाइंट बाबू मूव नहीं करेगा, जो ज्वाइंट आपका मूव नहीं करेगा, उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, है ऑमलेट ना, म्यूट रखो बाबू, आने तो बाबू रिमूव कर देंगे, तो फिर हल्ला करते रहेगा, जो सर ज्वाइंट संकल्प मूव, सुन में आता उसको तो शैतान भगाइए देंगे, वो हमेशा म्यूटे रखती है, खाने पीने पर ध्यान देते रहती है खाली। ठीक, नेक्स्ट, जो ज्वाइंट बाबू मूव नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट कहेंगे। जैसे स्कल्स का ज्वाइंट, ये मूव नहीं होता, आप दांत के अंदर चल जाओ, दांत के अंदर, ये आप जार की बात नहीं करें, टीथ है, तो टीथ भी क्या होता है, नीचे से ज्वाइंट रहता है ना, बोन्स वगैरह से ज्वाइंट रहता है, तो टीथ देखो मूव नहीं होता है, तो टीथ में भी आपका क्या, इमूवेबल ज्वाइंट है, क्या, इमूवेबल ज्वाइंट है। आपके थाई के पास जो बोन है बाबू, है ना, थाई के पास जो बोन है, तो वहां पे बोन है बाबू, तो वो बोन क्या होता है, रोटेट नहीं होता, मूव नहीं होता, तो वहां पे ज्वाइंट क्या होगा, इमूवेबल ज्वाइंट होगा ना, इमूवेबल ज्वाइंट। वीडियो अभी दिखाते हैं ना, दिखाते हैं ना, मतलब जो ज्वाइंट बाबू मूव नहीं होगा, जहाँ पे बाबू आप 2 गो ज्वाइंट रहेगा, 2 गो हड्डी क्या रहेगा, ज्वाइंट रहेगा, लेकिन वहां पे अगर मूवमेंट नहीं होगा, तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट कहेंगे, क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट कहेंगे ना, इमूवेबल ज्वाइंट है ना। जैसे रिब केज वाला ज्वाइंट है, तो रिब केज वाला यहाँ पे बाबू आपको बताया था ना, रिब केज में बोला सारा वीडियो दिखा के, तो बीच में क्या होता है, स्टर्नम होता है, तो इधर सब हड्डी सब है, इधर सब हड्डी है ना, बोन्स वगैरह है ना, तो ये ज्वाइंट क्या हो रहा है, मूव नहीं ना हो रहा है, रिब केज में बहुत सारा ज्वाइंट है, लेकिन इसको मूव करो, बोन को नहीं ना मूव होगा जी, यहाँ वाला रिब केज हटा के कहाँ लेके जाओ, नहीं है बोन, तो यहाँ वाला जो ज्वाइंट है रिब केज वाला, ये कौन सा ज्वाइंट है, इमूवेबल ज्वाइंट है ना, सारा वीडियो आपको दिखाया था ना, इमूवेबल ज्वाइंट है ना, तो वही यहाँ लिखल है, द ज्वाइंट नो मूवमेंट, जो मूव नहीं करेगा, जो हिलेगा डुलेगा नहीं, वैसे ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट कहेंगे, है ना। ठीक, वही लिखा हुआ है, ज्वाइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ अस्कल, खोपड़ी में, जैसे इधर का दूसर बोन है, आगे में दूसर बोन है, यहाँ पे दूसर बोन, तो ये खोपड़ी कभी भी हिल, ये नहीं ना मूव होता है, यहाँ से ऊपर से नीचे से हटाओ इसको, नहीं ना मूव होगा, तो यहाँ वाला जो ज्वाइंट है वो क्या होगा, इमूवेबल ज्वाइंट होगा। पेल्विक गिर्ड,
आपका जो थाई ब्लॉक है ना, जो हम लोग बैठते हैं ना, तो वहां पे जो ज्वाइंट है वो क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट है। क्या इमूवेबल ज्वाइंट है ना, वीडियो भी दिखा रहे हैं ठीक। आगे बाबू क्या है, टीथ वाला ज्वाइंट है ना, दांत अंदर, क्या है दांत अंदर में क्या ज्वाइंट है, नीचे जी नीचे जाकर कनेक्टेड है, तो दांत हिलता डुलता हिलर ये जा हिलता इंडिविजुअल, कोई टीथ वगैरह नहीं ना हिलेगा डुलेगा है ना, तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट कहेंगे ठीक, जब वो समझ सकते हो ना। टूटता है तो फिर वो हिलता है। अच्छा हाँ तो वो टूट जाता तो वो अलग बात है ना बाबू, अब टूटिए जाएगा वो मरिए जाएगा तो उसका बात अलग है, लेकिन नॉर्मल केस में बाबू वो क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट है ना। नेक्स्ट बाबू मस्कुलर सिस्टम क्या होता है बाबू, है ना, तो मस्कुलर क्या होता है बाबू, बोन्स को बाबू है ना, ऊपर से बाबू हमारे बॉडी पे क्या होता है, बोन्स को कवर करने के लिए है ना बाबू, हमारे बॉडी में ऊपर क्या है, मसल्स है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम कहते हैं ना। तो हमारे बॉडी में लगभग बाबू जैसे यहाँ का मसल्स देखो, यहाँ पर क्या ज्यादा मसल्स होता है आपका बाबू, बाजू में यहाँ पे क्या होता है मसल्स है ना, जैसे यहाँ का मसल कुछ और टाइप का होगा, यहाँ वाला मसल कुछ और होता है, यहाँ वाला मसल कुछ और होता है ना, तो इस तरह से बाबू हमारे बोन्स को बाबू कवर करने का काम है ना बाबू, जो क्या करे बोन को आसानी से क्या करे, जो स्केलेटल सिस्टम है उसको मूवमेंट में क्या करे, हेल्प करे है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। बोन्स है बाबू, अगर मसल्स नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं चल सकते हो, मान लो पूरा बॉडी से आपको ऊपर वाला लेयर हटा दिया जाए तो चलोगे तो इधर से हड्डी टूट के निकल जाएगा है ना, इसे हाथ करोगे तो इधर से हड्डी टूट के निकल जाएगा, कोई इधर से निकल जाएगा, यहाँ से इसे निकल के उधर फेंका जाएगा, इधर से फेंका के इधर चल जाएगा, तो आपका क्या करता है, जो मसल्स है वो स्केलेटल सिस्टम को क्या करता है, मूवमेंट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, मूवमेंट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा ना। पूरा ऊपर से स्क्रीन हटा दो, मसल्स हटा दो तो खाली हड्डी बनेगा, स्केलेटल सिस्टम बनेगा। अब उसको दौड़ाओ है ना, तो पैर उधर टूट के भागेगा है ना, हाथ उधर टूट के भाग जाएगा, क्रिकेट जाके खेलना है ना, तो है ना बाबू आपका बैट बैट के साथ हाथ ही चला जाएगा है ना ठीक। तो उस केस में क्या होगा बाबू, हमारा बाबू क्या होता है, मूवमेंट सही से नहीं ना होता, तो स्केलेटल सिस्टम को बाबू सही से मूव करने के लिए बाबू ऊपर से क्या रहता है, एक मसल्स का लेयर रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, मस्कुलर सिस्टम कहेंगे ना, मस्कुलर सिस्टम कहेंगे ठीक। तो वही मसल्स और कुछ नहीं है ना, तो वही लिखा हुआ स्केलेटल मेरे सिस्टम साइंस नीड्स। की बुक में दिया हुआ है बोन्स अच्छा एंड ठीक है, मसल्स। स्केलेटल सिस्टम बाबू नीड्स मस्कुलर बाबू सिस्टम टू प्रोवाइड कंप्लीट मूवमेंट है ना। मान लो बाबू अगर अच्छा मसल नहीं रहेगा बॉडी के ऊपर तो आप लोग मूव नहीं कर सकते हो, मूव करोगे दौड़ोगे ना तो पैर टूट के फेंका जाएगा, नीचे वाला जो आपका बाबू थाई वाला फीमर है ये सब सब फेंका के वो इधर जाएगा वो उधर जाएगा ना, तो ये क्या करता है स्केलेटल सिस्टम को क्या करता है ना बाबू, मसल्स नहीं स्केलेटल रहेगा तो कंकाल दिखेगा। है ना, ये आपको मसल से बाबू ये मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है उसको मूवमेंट करने में, उसको शक्ति देने में क्या करता है, प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है ना, हेल्प करता है, वही करता है। बिसाइड द बोन्स बाबू ज्वाइंट आवर बॉडी बाबू नीड्स मसल्स बाबू है ना, पर मूवमेंट है ना, बॉडी के मूवमेंट के लिए बाबू मसल्स हमारा क्या बहुत जरूरी होता है ना, बहुत जरूरी होता है ठीक। अब उसके बाद क्या बाबू, यही मसल्स, तो मसल्स होता क्या चीज है सर, तो मसल्स क्या होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेसी होता है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, मतलब क्या सर, सॉफ्ट मतलब क्या, मुलायम, हड्डी को टच करो तो हार्ड होता है ना जी, मुर्गा वाला चीज खाओ तो मुर्गा वाला हड्डी क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन बाबू मुर्गा का बाबू है ना ये खाओ है ना जिसमें मांस रहे है ना वो खा, तो आपको क्या होता है, सॉफ्ट होता, या यहाँ पे टच करो आप लोग तो यहाँ पे टच करोगे तो ये क्या सॉफ्ट है कि नहीं है ना, सॉफ्ट है ना बाबू, तो यही जो क्या हो गया मसल्स हो गया, यहाँ हाथ में सारे जगह क्या हो गया मसल्स हो गया, तो मसल्स कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। फ्लेसी, फ्लेसी मतलब क्या होता है, गुद्देदार, मतलब उसमें बाबू क्या होगा मैंने गदगद करेगा है ना, फ्लेसी मतलब क्या कर सकते हो बाबू, जैसे तकिया कैसे होता है ना, एकदम दाबते होता दबाता है ना, उसी तरह से होता है ना, थोड़ा सा मांस ही होता है ना, मांस भरा रहेगा ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेसी कहते हैं ना, जिसमें मांस की कंटेंट क्या होगा ज्यादा होगा, फ्लेसी होगा, और क्या होगा स्ट्रॉन्ग मसल्स, क्या होता है पकड़ के यहाँ से खींचो नहीं ना, खिंचाएगा पकड़ के खींचो, शरीर से बाहर नहीं ना निकलता है, कहीं का भी मसल पकड़ के खींचो शरीर से बाहर नहीं ना निकलता है, मतलब क्या है सर, स्ट्रॉन्ग है, क्या है स्ट्रॉन्ग है ना, वो स्ट्रॉन्ग यार जब चोट लगता है खून बहता है, मतलब हमको लगता है कि मसल ही नहीं है, मेरा चला गया। अच्छा वो एक्सेप्शन केस हो गया ठीक है ना, टिश्यू डेट आर बाबू फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी है ना, तो हमारे हर एक बॉडी के जगह पर क्या वो बॉडी के हर एक पार्ट में क्या है मसल्स, हर एक पार्ट में क्या मसल्स है, जो कैसा है सर सॉफ्ट है, सॉफ्ट मतलब क्या होता है मुलायम है, क्या सर फ्लेसी है मतलब उसमें बाबू क्या थोड़ा सा गुद्दा गुद्दा टाइप का है ना वो, मांस टाइप का है ना, मांस है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ना मांस बाबू, यहाँ पे करो गदगद करता है ना थोड़ा सा ज्यादा गुल गुल करता है, यहाँ वाला टच करो ये हार्ड, यहाँ यहाँ पे देखो मसल्स नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम मसल्स है इसमें है ना, गुदगुद नहीं ना करता, यहाँ वाला क्या करेगा थोड़ा गुदगुद करेगा, और यहाँ वाला बाबू यहाँ वाला सबसे ज्यादा बा थिक में है, हाँ सबसे ठीक में ज्यादा रहता वो, थिक में। हाँ ठीक में रहता, थाई में रहता, थाई में रहता है ना, तो वही होता फ्लेसी होता और स्ट्रांग होता है ना,
स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब इसको पकड़ के खींचोगे तो नहीं खींचाएगा, अपना अपना हाथ से मसल्स पकड़ के खींचना नहीं खींचाता है, नहीं खींचाता है ना, वही है ठीक। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय अ स्ट्रॉन्ग फाइबर वो कॉल्ड टेंडर। अब मसल जैसे हड्डी है, बोन्स है, बोन्स है, इसको हटाओगे अभी दिखा रहे हैं वीडियो दिखा रहे हैं, और मसल्स है, तो बोन्स और मसल्स कैसे अटैच रहोगा, टेंडन्स के दो थ्रू है ना, कैसे अटैच होगा, टेंडन्स के थ्रू, याद रखना टेंडन्स। अरे बाबू मसल्स है अब बोन है तो दोनों अटैच रहेगा ना जॉइंट, वो तो कैसे अटैच रहता है, जिसके थ्रू जा मान लो धागा बंधा हुआ रहता तो उसी को बंधा हुआ जो रहता है उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, टेंडन्स कहेंगे, क्या कहेंगे, टेंडन्स कहेंगे। द मस्कुलर सिस्टम बाबू अलोंग विथ बाबू बोन्स हेल्प अस इन बाबू मूवमेंट, है ना, मतलब बाबू हड्डी के साथ मस्कुलर सिस्टम आपको क्या करेगा, मूवमेंट करे में क्या करता है, हेल्प करता है, मूवमेंट करे में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना, हेल्प करेगा ठीक। ये तो अब टाइप ऑफ मसल्स होता है, इसको समझना, इन्वॉलेंट्री मसल्स है, अभी आपको वर्ड लिखा है बाबू, टाइप ऑफ मसल्स क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है, कार्डियक मसल होता है, वैसा मसल बाबू जिसमें आपके इच्छा पे है ना, जो आपके इच्छा से हो उसको वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे, जो आपके इच्छा से अनुसार नहीं हो उसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे, और हार्ट वाला जो मसल्स होता है हार्ट आपका उसको क्या कहेंगे, कार्डियक मसल कहेंगे। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जो आपके इच्छा से, जैसे बाबू आपको हाथ रोकना ऐसे मूव करना है तो आपका वॉलेंट्री है, आप पेट में जो खाना उना खाते हो तो उसको आप रोक सकते हो, पेट के खाना को बाबू अगर खाना चल गया तो उसको आप चाह के भी नहीं रोक सकते हो, वो हमेशा डाइजेशन शुरू ही हो जाएगा, है ना, डाइजेशन क्या होगा, शुरू ही हो जाएगा, जैसे खाओगे वो डाइजेशन शुरू होगा, वो आपके कंट्रोल के बाहर है, आपके कंट्रोल के क्या बाहर है, तो वैसे मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, कौन सा कहेंगे, इन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री याद रखना, वॉलेंट्री सर अगर उल्टी कर मतलब दिया तो? है ना बाबू आप उल्टी कैसे कर, नॉर्मल स्टेट में नहीं ना करोगे जी, अब उल्टी बाबू कुछ डालो मुंह में है ना बाबू, है ना, लकड़ी डालो आ करो तो उल्टी करोगे तो वो अलग चीज हो गया, है ना, अलग चीज हो गया ठीक। तो टाइप्स ऑफ मसल क्या होगा, स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल्स बाबू, है ना, एक मेरा क्या होता है सर अगर हमें इनवॉलेंट्री कुछ या भी डालेंगे और उसको निकाल लेंगे तो उल्टी हो जाएगा? ऐसा नहीं बाबू, वो आपके बॉडी के इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, स्मूथ मसल्स, स्मूथ या इनवॉलेंट्री चाहे स्मूथ, जैसे आपका डाइजेस्टिव पार्ट हो गया है ना, डाइजेस्टिव वाला पार्ट हो गया है ना, जो भी डाइजेस्टिव वाला पार्ट हो गया है ना वो अभी वीडियो दिखाते हैं आपका, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमेक वगैरह, है ना, तो वो सब में कौन सा मसल होता है, इनवॉलेंट्री मसल होता है ना, पेट के गैस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना बाबू, खाना को बाबू आपको जैसे खाओगे तो उसको आप लोग रोक नहीं सकते, है ना, रोक नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक जैवे करेंगे, तो वैसे को क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री, जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो उसको इनवॉलेंट्री, जो इच्छा से हो वो आप वॉलेंट्री होता है ठीक है। कार्डियक मसल क्या होता है सर, कार्डियक मसल बाबू हार्ट वाला मसल, दिल वाला, यहाँ वाला हार्ट वाला जो मसल होगा उसको क्या कहेंगे, कार्डियक मसल कहेंगे ना, तो यही क्या होता है, अभी इसके बारे में सारे के बारे में हम लोग इंडिविजुअली क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। सुतोष वीडियो ऑन करो, एस अंकल बाबू ऑन करो जी, अब सारे के बारे में वॉलेंट्री मसल्स या कार्डियक मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में सारे मुख्य बारे क्या कर रहे हैं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे। अब देखो कैसे मसल्स बोल, है ना, वो समझना आप सर समझे बोर्ड थे, भी चाहिए ना? अच्छा मिटा रहे हैं, बहुत बोलता है जी थर, बिना बोले हुए नहीं रहता जी। नेक्स्ट बाबू भगवान ने वो तो बोलने के लिए तो मैंने नहीं लिखा मुंह था सर, ऊपर वाला नहीं मैंने लिख, नहीं, नहीं बेकार लिखे की चीज तो लिखी, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है वहां से लिख लीजिएगा, ऊपर वाला बिना लिखे नीचे कैसे चल जाएगा? सर एक मूवी लगाई है ना सर, अच्छा नहीं स्पाइडरमैन ठीक है, पिटाई वाला लूकास को वीडियो दिखाएंगे दिखाइएगा इंग्लिश क्लास में सर, स्पाइडरमैन अगर सब पिटाई पिटाई क्या? वाला वीडियो तेरा अल्लाह नहीं जी, सर हर सब पिटाई वीडियो पिटाई दिखाइए ना, वाला कुछ वीडियो मोहिम भी नहीं, हो बहुत उसे पिटेंगे, पहले दिखाइए पढ़ाई वाला, उसके बाद पहले पढ़ाई वाला देखो सर, सी सर, सर और यहाँ दिक्कत पे स्केलेटल सिस्टम सर, हाँ सर जी पे सबसे ज्यादा मसल्स का थाई में होता है, हम बोल थाई वाला सकते हैं मसल्स, हाँ बाबू ज्यादा फ्लेक्सी होता है और ज्यादा ये होता है ना बाबू, स्ट्रांग होता है, सर 60 से भी ज्यादा है वो, 600 मसल से भी ज्यादा बोन सारा अच्छा ठीक है हल्ला मत मसल करो, यही आपका बाबू सर, देखो, ये इसलिए तो वीडियो है ही नहीं बाबू, देखो दिखाई इतना दे, सर वीडियो तो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बगल में, बस सारा भूखा वो होता तुम्हारे शरीर है सर, ये रहा 600 मसल्स, हल्ला 650 मसल्स लिखा था सर वहां पे, मत कीजिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो हम लोग मूवमेंट हो रहे हैं तो ये आदमी का बाबू है ना, ऊपर से बाबू स्किन हटा के आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये सब सारा का सारा क्या मसल्स है ना ठीक है ना, ये आपका क्या स्केलेटल सिस्टम हो गया, रीब हो गया, हड्डी हो गया बाबू, है ना, ये क्या हो गया आपका हड्डी हो गया, तो यहाँ पे देखो भोला है ना, दिख रहा है क्लियर जी कि नहीं दिख रहा जी,
सारा का ये सारा तो भाइट है। सर पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, पूरा देखो अच्छा अभी आ रहा, क्लियर नहीं सर, बीच में कुछ व्हाइट कलर का आ जा रहा है। वो प्रोजेक्टर का बाबू लैंप है ना बाबू, वही आता है प्रोजेक्टर लाइट क्रिएट करता है ना जी। देखिए बाबू यहाँ पे बाबू प्रोजेक्टर को दूसरी तरफ घुमा देंगे तो घुमा लाइट करने से आएगा जी, शांति समझो। ये आपका क्या बाबू हार्ट है क्या बाबू आराध्या पटेल, बताओ बोलिए। इतना दीजिए। क्लियर तो, ये हार्ट है तो हार्ट भी बाबू क्या होता है, मसल्स होता है। यहाँ भी आपका क्या रहेगा, मसल्स रहेगा। तो इसमें कौन सा मसल रहेगा, कार्डियक मसल, याद करते चलना। ये आपका हार्ट है तो यहाँ पे कौन सा मसल होगा, कार्डियक मसल होगा है ना, ये थर्ड कार्डियक हाँ मसल होगा। अभी आपको बहुत तीन टाइप का मसल्स लिखा ना सर, है ना, वॉलेंट्री मसल्स जिसको हम लोग स्केलेटल मसल कहेंगे, और इनवॉलेंट्री मसल जिसको स्मूथ मसल्स कहेंगे, और एक कार्डियक मसल। तो हार्ट वाला जो मसल्स होता है कौन सा होता है, कार्डियक मसल होता है, याद करते चलना। हार्ट वाला कौन सा होगा, कार्डियक मसल होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू आगे समझिए। होता यही आपका हार्ट है, यही आपका क्या हार्ट है, ये आपका वेन्स है, नर्वस वगैरह सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम है ना। ठीक, तो ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है ना। नेक्स्ट बाबू, ठीक आगे बाबू, इसमें बाबू आपको ये आपका स्केलेटल सिस्टम है, क्या बोला, स्केलेटल सिस्टम आपका। तो देखो यहाँ पे बाबू शांति समझो, तो यहाँ पे देखो, देखो तो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, मांस युक्त जो दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या मसल्स है। ये जो बाबू ये जो ठीक जैसा दम बॉडी बिल्डर जैसा दिखाई दे रहा है, यही सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है, यही सब क्या है, मसल्स है ना। किसी आदमी का डेथ करेगा बाबू, उसको पीट के खाना है ना, फ्राई वगैरह करके, है ना, कितना अच्छा से, इतना क्लियर तो दिख रहा है जी, ठीक है ना। तो ये आपका मसल्स है। अब यहाँ पे ये जो मसल्स है भोला, ये आर्म वाला बाजू वाला हुआ ना जी, ऐसे बाबू का हटाएंगे स्वेटर हटाएंगे, अभी ठंड 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 लगाओ, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा है ना, मोटा घोटा आदमी, हम लोग तो पतले दुबले हो। तो ये जो मसल्स है भोला है ना, इस मसल्स को आप लोग क्या कर सकते हो, इसको मोशन को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, ये आपको वॉलेंट्री बोला हो गया ना। अब मसल, अब शांति समझना, मसल्स अब बोन्स बाबू कैसे ज्वाइंट होगा, टेंडन्स के थ्रू। मसल्स है ना, इसके नीचे क्या बोन्स है, तो ये दोनों में ज्वाइंट होगा ना, वो कैसे, टेंडन्स के थ्रू क्या होगा, ज्वाइंट होगा। टेंडन्स के थ्रू क्या होगा, ज्वाइंट होगा। देखो यहाँ पे बाबू है ना, और थोड़ा इधर लाया जा, है ना, देखो मूवमेंट हो रहा है ना, थोड़ा सा पीछे करते हैं। हाँ नेक्स्ट बाबू, देखो समाज शांति से समझना, थोड़ा सा पीछे देखो, यहाँ पे आपको एक ज्वाइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शांति से देखो। ये बाबू जो आपका आर्म है भोला, यहाँ पे कोई ज्वाइंट दिख रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, टेंडन, TNDONS कहते हैं ना, जो बोन्स और मसल्सों को कनेक्ट करने का काम करता है। मन से पढ़ते चलना परी, है ना, दिख रहा है जी। अरे मेरे शैतान, लगता यहाँ पे नहीं है कोई ज्वाइंट दिख रहा है जी, लो जूम करते हैं, ये सब शैतान वसूल कर है, लेगा। देखो दिख हमको जूम करते हैं भोला, ये सबको दिखता ही नहीं है, पर हम कम बोले कि हमको नहीं दिख रहा, दिख रहे तो देखा दिख रहा। जी। हाँ सर, देखो बाइसेप्स दिखा दीजिए। नो सर, नो सर, अभी इतना अच्छा तो है जी। ठीक, अपना फेस दिखाइए दिखा रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है बोला, इसी को क्या कहते हैं, टेंडन्स कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, टेंडन्स कहेंगे ना, है ना। कितना अच्छा सा आपको दिख रहा है, पूरा तो है बाबू, ये आपका क्या हो गया, मसल्स हो क्लियर गया। ठीक, और यहाँ पे नीचे में क्या रहेगा, बोन्स रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, बोन्स रहेगा। आप हड्डी बाबू यहाँ से काट के हटाओ, ये बाजू से ऐसे करो, यहाँ से पीस काट के हटाओ, तो यहाँ से काट के हटाओगे तो नीचे आपको क्या दिखाई देगा, बोन्स दिखाएगा, जो आपका क्या रहेगा, स्केलेटल सिस्टम रहेगा। क्या रहेगा, स्केलेटल सिस्टम। तो यही आपका क्या है, टेंडन्स है ना, ठीक है ना। तो मसल्स कितने टाइप के बाबू, आपको तीन टाइप के, एक होता है बाबू आपका स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल्स। यहाँ बाबू ये हड्डी से डायरेक्ट ज्वाइंट है ना, जो हड्डी से ज्वाइंट होता है उसको स्केलेटल मसल कहेंगे, या उसी को क्या कहेंगे, वॉलेंट्री मसल कहेंगे। सर, इस कभी मसल्स कभी को, अच्छा आपका आवाज कट कट के आ रहा है। ठीक है, इस मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो ये आपका वॉलेंट्री मसल हो गया, या इसी को स्केलेटल मसल कहेंगे। क्यों सर, क्योंकि ये बोन्स से क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, पेट वाला मसल, सभी पेट वाला ला रहे हैं ना, पेट वाला ला रहे हैं। नेक्स्ट समझना है ना, तो देखो यहाँ पे यही का आपका क्या है, टेंडन्स है, ये क्या टेंडन्स है ना, कनेक्टेड है ना। नेक्स्ट बाबू स्टोमेक वाला लाते हैं, ठीक, नेक्स्ट भोला, स्टोमेक है जी। ये मसल्स में दिखाया गया कि बहुत सारा टाइप होता है, बहुत सारा ये होता है ना, बहुत सारा उसका पार्ट होता है अंदर में, है सर ड्रॉ ना। करें नेक्स्ट बाबू,
आगे बाबू स्टोमेक आ जाओ, इसमें नहीं लायक है बाबू। हाँ यहाँ पे है, आ गया जो बाबू स्मूथ मसल्स, या बाबू क्या कहेंगे उसको, टिश्यू सेल। आ जाओ स्टोमेक दिखाओ, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो बाबू यहाँ पे बोला आपको जो दिखाई दे रहा है बाबू, क्लियर पॉटी दिखाई, अभी रुको दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं, नहीं लगता इस वीडियो में दिखाया गया का नेक्स्ट बाबू। थोड़ा सा दिखाया था। हाँ ये हाँ तो उसको दूसरा थोड़ा सा नहीं ना होगा जी, ये आपका कौन सा मसल हो गया, ये कौन सा मसल होगा, ये हार्ट वाला कौन सा कार्डिकल, मसल, कार्डियक मसल होगा, कौन सा होगा, कार्डियक कार्डियक, कार्डियक 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 मसल्स कार्डियक होगा, हार्ट वाला कौन सा होगा, कार्डियक मसल होगा। आपका स्मूथ वाला दिखाना है हमको, क्या दिखाना है, स्मूथ वाला दिखाना है ना, स्मूथ वाला दिखाना है ठीक। कार्डियक। ये मसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ना बाबू, वही आपका क्या इंटरलेटेड डिस्क है ना, इंटरलेटेड डिस्क है ना ठीक। रख भी होता नेक्स्ट ये वाला दिखाना हमको बाबू, आपका कौन सा दिखाना है बाबू, एक को अंदर वीडियो यहाँ पे इसमें तो साफ, दूसरा आया भी जो बाबू। दिखा रहे थे मतलब। देखो इसमें देखिए बाबू, ये सब सारा का सारा आपको क्या दिख रहा है, मसल्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मसल्स दिख रहा है ना, बोन का स्ट्रक्चर से ना, यही सब सारा का सारा क्या है, मसल्स है ना। नेक्स्ट बाबू कौन है को बच्चा नींद में गया जी, हमको आपको कार्डियक ये वाला दिखाना है ना बोला, हाँ चलो देखो यहाँ समझो, तो ये आपका क्या बाबू, इसको क्या कहते हैं बोलो बाबू, ये कहाँ है, क्या बाबू बता बोले, स्मॉल वेरी इंटेस्टाइन गुड वेरी गुड, शांति सुनो। एंड हाँ पूरा का पूरा क्या सर, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा आपका क्या है, डाइजेस्ट लार्ज ऊपर में है एसोफेगस। इंटेस्टाइन अच्छा हल्ला मत करो, समझा रहे हैं ये इतना, अच्छा कौन सा है और स्मॉल कौन सा है? लार्ज बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे बता रहे सारा बता रहे। वाला अंदर वाला अच्छा ठीक है सर, सारा है। बता रहे, शांति समझो, ये अंदर वाला बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब बाहर में ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, अंदर वाला स्मॉल बाहर वाला लार्ज, ये आपका स्टोमेक है, जो हम लोग का पेट बाबू है ना, खा पी कैसे पचाते हो, यही आपका छोटा सा क्या स्टोमेक है, ये आपका लीवर है, उसके ये लीवर है, ये आपका लीवर है ठीक। तो इसमें जो मसल्स रहता है बाबू, ये लीवर कौन क्या सा सर? है ना, ये जूस सिक्रेट करेगा है ना बाबू, आगे वो इसको दो पढ़ाएंगे पार्ट में डाइजेस्ट, डिवाइडेड रहता है लीवर। नहीं ये डिवाइडेड नहीं रहता है ना, डिवाइडेड नहीं रहता, आगे इसको पढ़ाएंगे, अभी पहले सीखो ना शांति से। तो यहाँ बाबू ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भी क्या है, मसल्स है, तो ये कौन सा मसल्स होगा, ये स्मूथ मसल्स होगा, इसमें बोन्स नहीं होता, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू, ये हड्डी से कॉन्टेक्ट बोन से कॉन्टेक्ट नहीं रहता, ये बाबू ये जो मसल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, ये किसी बोन से कनेक्टेड नहीं रहता, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, स्मूथ मसल्स कहेंगे या इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। यहाँ पे खाना जो आएगा उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसको यहाँ पे जो खाना आएगा उसको आप रोक नहीं सकते है ना, रोक नहीं सकते हो, तो ऐसे मसल्स को हम लोग क्या कहेंगे ननिया बाबू, वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे या कौन सा कहेंगे बाबू, ये हो गया आपका इनवॉलेंट्री मसल या स्मूथ मसल्स हो गया ना, स्मूथ मसल्स हो गया ना, तो यही आपका तीन गो टाइप का मसल्स था लार्ज, जो। सर ये लार्ज वाले के नीचे वो क्या है? ये उसके लास्ट में एक टेल जैसा कुछ नीचे है। वो वो अपेंडिक्स था, अपेंडिक्स है, ये आपका ओसोफेगस माइनस है, तक चला जाता है। ये इसको अपेंडिक्स कहते हैं, अभी पढ़ाएंगे आप लोग को पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अपेंडिक्स आपका है ना ठीक, लीवर तो के नीचे समझते वो थे। क्या अरे शैतान, ये अंदर वाला पोर्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और बाहर वाला जो आपको गॉल बड़ा, ब्लैडर पूछ रही है। अच्छा ठीक है देखिए सारा बताएंगे, और ये बाहर वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लार्ज, अच्छा हल्ला मत करो, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसमें जो मसल्स होता है बाबू, ये जो मसल्स होता है, कौन सा मसल्स होगा, ये आपका कौन, स्मूथ मसल होगा, इसमें बोन से कनेक्शन नहीं होता है ना, या इसको क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे, मतलब इस मसल्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पे बाबू आप चाहो चाहे नहीं चाहो खाना डाइजेस्ट होगा ही होगा है ना,
तो ये आपका तीन टाइप का मसल्स हो गया बबू। कौन सा जी मसल्स पहला हो गया बबू? आपका वॉलेंट्री मसल्स है ना, जिसको स्केलेटल मसल कहोगे। एक हो गया आपका बबू इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स, एक कार्डियक मसल्स, जो आपका कौन सा देगा बबू, है ना, हार्ट वाला, हार्ट वाला, है ना। तो यही आपका क्या था, तीन तीन टाइप का क्या था, मसल्स था। तीन टाइप का क्या था, मसल्स, है ना, मसल्स था आपका, है ना, ठीक है ना। ग्रीन कलर का क्या है? वो भजाइना था बाबू, है ना। आगे आपका आएगा बाबू, सारा चीज हम सबके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा मसल्स होगा, कौन सा मसल्स होगा जी? कार्डियक कार्डियक मसल्स होगा, समझ में आ रहा सर। है? अराध्या पटेल, या पटेल बाबू, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा जी? यस हाँ, तो समझते चलना। आपसे हार्ट निकालोगे ना, तो इसी तरह से धक धक करेगा, इसी तरह से क्या करेगा, धक धक करेगा, है ना। तो इसमें तो बोन्स हार्ट वगैरह नहीं, होगा, पर इसका आवाज कैसा होता है? है ना, लब डब होता। आवाज क्या होता है, लब डब होता। यहाँ पे देखो, शांति समझो, यहाँ पे देखो, ये बोन है, ये शांति समझो, ये बोन है। बोन से ये क्या, मसल्स कनेक्टेड है। तो ये कौन सा मसल होगा, कौन बताएगा? बोन से जो कनेक्टेड होगा ये कौन सा मसल वॉलेंट्री है? सर, मसल्स भी, और हाँ, स्केलेटन मसल्स, क्योंकि, स्केलेटन हाँ क्योंकि ये, मसल्स, हाँ क्योंकि ये वो क्या, बोन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, बोन से क्या, ज्वाइंट है। तो इसके मसल्स को क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल्स, है स्केलेटन ना। मसल्स सर, ज्वाइंट कब याद करवाइएगा? रखना, है ना, याद रखना, ठीक। ये आपका हो गया स्मूथ मसल्स हो गया। सर टाइम हो गया, हाँ, टाइम हो गया, ठीक। सर ड्राइंग तो करवा दीजिए सर, मैं अब ड्राइंग का, हाँ भी सर कभी ड्राइंग और का, करवाएगा अच्छा ड्राइंग, ठीक है, अच्छा ठीक है। हार्ट का डायग्राम बना लेना, कार्डियक मसल में अभी लिखाएंगे बोलो, अभी कार्डियक मसल लिखाए नहीं ना, लिखाएंगे। लिखाएंगे अरे शैतान, सारे के बारे में भी लिखाना ना बाबू, सारे के बारे में लिखाना है, ठीक है बाबू। जाइए आप लोग, जाइए, गुड नाइट बाबू, बाय अल्लाह नहीं बाबू। अगला सर, अगला बैच को आने दो, गुड नाइट गुड नाइट बाबू, सर, गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट बोलिए। बाय।